राधे राधे दोस्तों। सो जैसा कि आपको पता है कि आज 12 नवंबर है, सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी, और आज ही के दिन तुलसी विवाह होता है तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ, मतलब श्री हरि जी के साथ जो कि पत्थर के रूप में विराजमान है उनके साथ विवाह होता है। आज ही के दिन श्री हरि 4 महीने की निद्रा से जगते हैं, उठाए जाते हैं, और आज ही के दिन से साये मतलब कि शादियाँ शुरू होती है। तो तुलसी विवाह के पीछे की रोचक कहानी कुछ इस प्रकार है कि जलंधर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था, और देवतागण परेशान होकर सभी श्री विष्णु भगवान के पास आते हैं, श्री हरि को सारा हाल सुनाते हैं कि किस तरीके से जलंधर नाम के राक्षसों ने परेशान कर रखा है। और क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा थी, वृंदा बहुत पवित्र थी, और उनके पतिव्रत धर्म की वजह से जलंधर का अंत होना मुश्किल हो रहा था। तो ये बात जानकर विष्णु भगवान ने वृंदा का पति व्रता धर्म नष्ट करने की कोशिश की। विष्णु भगवान जलंधर के रूप में गए वृंदा के पास और वृंदा को स्पर्श किया, जिससे जलंधर शीर हो गया, उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई और शिव जी ने उस असुर का नाश कर दिया। तो जब जलंधर की मृत्यु होती है तो जलंधर चीखता है वृंदा, और वृंदा को ये जब बात इस बात का पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो श्री विष्णु भगवान से श्री हरि से पूछती हैं, श्री हरि को श्राप दे देती है तुरंत कि आप तुरंत ही पत्थर के हो जाओगे, पाषाण के हो जाओगे, और श्री हरि श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, वो पत्थर के हो जाते हैं। जब ये सब कुछ लक्ष्मी माता देखती है तो लक्ष्मी माता वृंदा से रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि श्री हरि को का श्राप मुक्त कर दो। तो वृंदा श्री हरि का श्राप मुक्त कर देती हैं, लेकिन स्वयं आत्मदेह हो जाती हैं उसी समय, और उनके शरीर से मतलब उनके जो राख है उससे एक पौधा उग जाता है उस जगह पर, उस पौधे का नाम श्री हरि तुलसी रख देते हैं। और तुलसी से तभी से उन्होंने कहा कि तुलसी के साथ मेरा एक रूप, पत्थर का रूप, पत्थर में मेरा एक रूप होगा जिसे शालिग्राम के रूप से जाना जाएगा, और तुलसी के साथ ही शालिग्राम जी की पूजा की जाएगी। तुलसी और शालिग्राम का तभी से विवाह की प्रथा चली आई है, और आज ही के दिन तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। और इसी के साथ क्या कहते हैं, तुलसी विवाह के दिन से ही शादियां शुरू हो जाती है। कहते हैं कि कुंवारी कन्या का तुलसी विवाह तुलसी जी की पूजा करती है, उन्हें चुंदरी पहनाती हैं, उनकी दीपक जलाती हैं, तो उनके विवाह भी जल्दी हो जाता है, तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है उन्हें। और इसी के साथ आज ही के दिन विष्णु भगवान को जगाया जाता है 4 महीने की निद्रा से, तो विष्णु भगवान के लिए घर पे रंगोली वगैरह बनाई जाती है। तो इस प्रकार से थी ये रोचक कहानी। आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये मंदिर की है, हमारे मंदिर में भी तुलसी विवाह हो रहा है, तो कितनी प्यारी लग रही है तुलसी माता, और श्री हरि शालिग्राम के रूप में कितने प्यारे दुल्हे राजा लग रहे हैं। तो इनका श्रृंगार किया गया है, इनकी प्रॉपर शादी हुई है पूरे वचनों के साथ, और सभी लोग इनको इनका कन्यादान करनी है, तुलसी माता का कन्यादान हो रहा है, पंडित जी यहाँ पे हवन कर रहे हैं, वचन कह रहे हैं, और एक दो लोग तुलसी माता को लेके जा रहे हैं, दो लोग शालिग्राम जी को लेके जा रहे हैं, और उनको उनके फेरे लिए जा रहे हैं, मतलब तुलसी माता और शालिग्राम जी के। तो कुछ इस प्रकार से, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।